आप तो एक दिन आए 6 दिन में आए, कभी कोई आ रहा है उसको कुछ पढ़ाया जा रहा है, कभी कोई आ रहा है उसको कुछ पढ़ाया जा रहा है, ऐसे काम चलेगा क्या? मालूम उसको लोग क्या पढ़ाया गया है कि नहीं? द्रव्यमान केंद्र के बारे में आपको बताया था, किसी वस्तु का ऐसा बिंदु जहाँ उसका समस्त द्रव्यमान क्या हो, केंद्रित हो, वो क्या है उसका द्रव्यमान केंद्र। तो जैसे ये मार्कर है, अभी मार्कर का द्रव्यमान सब जगह वितरित है, अगर इस मार्कर का कोई ऐसा बिंदु ढूंढ लें जहाँ पर इसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, तो वो क्या है द्रव्यमान केंद्र। और द्रव्यमान केंद्र ऐसा केंद्र है, ऐसा बिंदु है जिसकी गति की अगर आप क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं, तो पूरे वस्तु की गति की गणना हो जाती है। यह है, तो इसमें आपको बताया गया था कि अगर द्रव्यमान केंद्र क्योंकि बिंदु है, अब बिंदु कहीं भी हो सकता है, एक दिशा में हो सकता है, दो दिशाओं में हो सकता है, तीन दिशाओं में हो सकता है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या तरीका था, वो आपको सूत्र बताया गया था कि अगर एक्स में सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखिए ये जो पूरा टॉपिक है रोटेशनल मोशन, ये किस टॉपिक को बिलोंग करता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को, इसको बिलोंग करता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को। इस चैप्टर के पहले पर जब भी हम लोगों ने गति पढ़ी है, तो हमेशा किसी किसी पर ये वस्तु को क्या मानते थे, बिंदु मानते थे, क्या मानते थे, बिंदु। ये एक बिंदु है, बनाते थे उसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक बिंदु मान लेते थे। यहाँ पर क्या है कि कई सारे कणों का निकाय है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे कण हम लोग सिस्टम है, उसकी गति हमको पढ़नी है। सीधी सी बात है, अलग अलग कण सबका अलग अलग द्रव्यमान होगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या निकलता है सूत्र, m1x1 m2x2 प्लस मान लीजिए n कण है, तो mn xn, फिर बटे m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। ये x निर्देशांक निकालने का तरीका है। y निर्देशांक निकालना हो अगर, m1y1 प्लस m2y2 mnym बटे m1 प्लस m2। चले जाओ आपने जरा यहाँ मार कर लिया, अगर नहीं लिया कोई एक बिंदी पता नहीं सब, पहले मार्कर मांगना, मार्कर ना मिले तो फिर एक मांगना।
डी में लिखना हो कंबाइंड, तो आप जानते हैं थ्री डी में हम बात किसकी करते हैं, स्थिति सदिश की। आर क्या होता है, एक्स आई है, वाई जे है, जेड के है। तो जब लिखते हैं हम लोग क्या, आर सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाता है एम वन आर वन, एम टू आर टू, एम थ्री आर थ्री, डॉट 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 करके चले जाइए, और एम वन दिया है, वर्ग दिया है, मान लीजिए इसकी भुजाएं कितनी हैं, ये इसमें चार कण मान लिए गए हैं, ये क्या हो गया, कणों का निकाय हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसका क्या पूछा, द्रव्यमान केंद्र पूछ रहा है। द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए पहले हमें किसी न किसी बिंदु, ठीक है ना, अगर इसमें केवल एक बिंदु है और एक अधिक बिंदु है, तो किसी न किसी लाइन को क्या मानना पड़ेगा, मुख्य अक्ष या मुख्य बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु पर आना है, ठीक, किसी भी एक इसको मूल बिंदु मान लेंगे तो यहाँ से क्या कितने की लाइन। अब आपको इसके निर्देशांक बनाने हैं, क्या बनाने हैं, निर्देशांक, देखो अगर ये मूल बिंदु इसको तुमने माना है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, जीरो का होगा जीरो, इसके क्या होंगे, ए कॉमा जीरो, देखो यहाँ से यहाँ एक्स में कितना चले, ए और वाई में तो चले नहीं, तो वाई क्या है जीरो, इसके कितने होंगे, ए कॉमा ए, यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक्स में भी ये चलना है, फिर वाई में भी ये चलना है, इस तरह इसके कितने होंगे, जीरो कॉमा ए, यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से मूल बिंदु से एक्स में कहीं नहीं चलना, केवल कहाँ चलना है वाई में, तो जीरो कॉमा ए। अब आपको क्या करना है, इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है, इसमें एक्स भी है और क्या है वाई भी है, एक बार निकालिए एक्स निर्देशांक और एक बार क्या निकालिए वाई निर्देशांक, तो जब एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एम वन एक्स वन, अब कहीं से भी शुरू करिए, कहीं से भी, चलो मान लो कि ये है हमारा एम वन, तो फोर एम एक्स वन कितना है जीरो, एम टू थ्री एम, और एक्स टू कितना है ए, प्लस एम थ्री कितना है टू एम और ए,
और m इंटू जीरो, सबको जोड़ दीजिए, 4m, 3m, 2m प्लस m, क्लियर है? देखो ये जीरो है, ये जीरो है, तो तीन और दो तो 5m ए हो गई और नीचे हो गया 10m, इससे को काट दो, इससे को काट दो, कितना जाएगा a बटे दो, क्या गया x सेंटर ऑफ मास। अब क्या निकालो y सेंटर ऑफ मास, क्या होगा m1 y1, तो 4m इंटू जीरो प्लस m2 y2, तो 3m इंटू जीरो, m3 y3, तो 2m इंटू a और m इंटू a, और नीचे फिर से वही 4m प्लस 3m प्लस 2m प्लस m। देखो तीन के सब खत्म हो गया, 2m a, 1m a, 3m a और नीचे 10m, तो 3m a नीचे 10m, काट दीजिए कितना जाएगा 3a बटे 10। क्या लिखेंगे आप इसके बाद, दिस इंप्लाई सेंटर ऑफ मास, कैसा मार्कर नया मार्कर मांगा था तुमसे, क्या लिखेंगे, एक्स निर्देशांक कितना आया है ए बटे दो और वाई निर्देशांक थ्री ए बटे टेन। अब इसको यहाँ पर क्या करते हैं, बनाना पड़ता है कि सेंटर ऑफ मास आगे है कहाँ। तो देखो एक बिंदु है, उसके निर्देशांक दिए हैं, बिंदु को ढूंढना है, कोई कठिन काम तो है नहीं, पूरी लंबाई ए है तो एक्स में कितना चलना है ए बटे दो, तो यहाँ कहीं पहुँचेंगे। y में चलना है 3a बटे 10, तो पहले a के 10 भाग करेंगे, तो एक भाग का मान मिलेगा a बटे 10, अगर मैं a के 10 भाग कर दूंगा तो एक भाग का मान कितना होगा a बटे 10, उसमें से तीन भाग लेने, देखिए यहाँ कहीं क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां और पीछे, पहला दूसरा लागे से तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नवा दसवां, यहाँ कहीं पर मान लीजिए होगा x में यहाँ डालना है और y में कितना ऊंचाई चलनी है, तो यही आपका क्या है सेंटर ऑफ मास। इस तरह का ढूंढ सकते हैं सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आप
Thank you.
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निर्देशांक लिख लो, निर्देशांक लिखने के बाद काम आसान हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ होगा। अब द्रव्यमान केंद्र का वेग, अगर द्रव्यमान केंद्र चलेगा तो किस वेग से चलेगा, लेकिन सेंस आर सेंटर ऑफ मास कितना था, एम वन आर वन, एम टू आर टू, डॉट डॉट डॉट, एम एन आर एन बटे एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डॉट 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 एम। अब इसका एनर्जी समय के साथ एक छोटलन मात्र या काल क्या समझ रहे हो,
R center of mass था और R1 सूट गए हैं बिल्कुल समझ लीजिए पोजिशन है एक लाइन चलती जैसे किसी को चेक करना होता तो वही चेक करने जाते चेक किया चल गया लिखना शुरू किया खराब हो गया ये सूट गई है बिल्कुल कभी ध्यान को देता नहीं है इसकी ट्रेनिंग होती है अब धीरे धीरे बताइए धीरे धीरे आएगा नहीं होगा दो चार मिनट ऊपर डाल दी ऊपर भीगा बने क्या करिए इसका समय के सापेक्ष रोक यहाँ क्या होगा डी बाई डी टी आर सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये नीचे का पूरा टर्म क्या है कॉन्स्टेंट है सब द्रव्यमान द्रव्यमान है एक बटे M1 प्लस M2 डॉट 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 MN ये पूरा बाहर आ जाएगा ठीक अब यहाँ देखो ध्यान से सभी पदों का अलग अलग अवकलन करेंगे तो M1 कॉन्स्टेंट है बाहर आया dR1 बाई dt फिर M2 dR2 बाई dt और इस पर करते चले जाएंगे MN dRn बाई dt dr by dt v center of mass स्थिति का समय के हिसाब से छोटी क्या बताता है वेग देखो m1 और dr1 by dt क्या होगा v1 m1 v1 इसी तरह बगल में m2 v2 फिर चलते जाएंगे तो mn vn और ये जो क्रम था इसको बटे में लिख लीजिए तो m1 प्लस m2 डॉट 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 mn सूत्र का जो पैटर्न है वो वही है आर में था M1 R1 M2 R2 M3 R3 यहाँ M1 V1 M2 V2 M3 V3 इसी तरह क्या निकालना है त्वरण निकालना है त्वरण निकालना है तो क्या लिखेंगे सिंस V सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा M1 V1 M2 V2 और यहाँ पर आएंगे तो MN VN बटे M1 प्लस M2 डॉट 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 MN फिर इसका समय के साथ छपन करिए तो समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो यहाँ डी बाई डी टी बी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा यहाँ फिर वही कहानी है तो आप डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको अलग लिख दीजिए M1 प्लस M2 डॉट 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 MN और यहाँ होगा M1 dV1 बाई dt प्लस M2 dV2 बाई dt और डॉट 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 MN dVn बाई dt फिर यहाँ वही कहानी ए सेंटर ऑफ मास M1 A1 M2 A2
बटे एम वन प्लस एम टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर नोट कर लीजिए, आगे बल की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ आया है, एम वन ए वन
एम टू ए टू एम एन ए एन एम ओ वन प्लस एम टू डॉट 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 एम एन। ये एम वन एम टू एम थ्री क्या है? जो वस्तु कई कणों से मिलकर बनी है तो सभी कणों के क्या है? द्रव्यमान। अगर सभी कणों के द्रव्यमान को जोड़ दें तो क्या वस्तु का कुल द्रव्यमान मिल जाएगा? ये जो एम वन प्लस एम टू प्लस करते करते चले गए, ये क्या बता रहा है? कुल द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? सिंस एम वन प्लस एम टू एम एन इसके बराबर है ये कुल द्रव्यमान कैपिटल एम टू। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ए सेंटर ऑफ मास इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो एम वन प्लस एम टू डॉट 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 एम एन। और ये लिखा है यहाँ एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डॉट 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 एम एन ए एन। ये क्या हो जाएगा? ए सेंटर ऑफ मास और कैपिटल एम। इधर देखो ध्यान से एम वन ए वन एम टू ए टू डॉट 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 एम एन ए एन। देखिए कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण यानी कि पूरे वस्तु का त्वरण, ये क्या है? कुल बल। इसको आप चाहे तो एफ नेट लिख सकते हैं या चाहे तो एफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। एम वन ए वन यानी कि एफ वन एफ टू डॉट 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 एफ एन। इसका मतलब ये है कि चाहे तो आप सभी कणों पर अलग अलग बल निकाल लीजिए और सभी को सदिश योग कर लीजिए, बलों की सदिश राशि क्या करना पड़ेगा? सदिश योग। और यह आप क्या करिए, केवल और केवल द्रव्यमान केंद्र पर बल निकाल लीजिए तो आपका पूरा काम हो जाएगा। हम द्रव्यमान केंद्र पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हमें कई सारे बड़ों के बारे में न पढ़ना पड़े, एक से काम हो जाए। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो रही है, सभी कणों पर बल निकाल के जोड़ने से चाहे क्या किस पर बल निकालने के बाद द्रव्यमान केंद्र पर आपकी पूरी गणना की गणना एक ही बल से हो जाएगी। देखिए जो नियम किसी एक वस्तु के लिए लागू होते हैं वही सारे नियम द्रव्यमान के लिए भी लागू होते हैं। अब यहां से आप क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, यदि ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यानी कि त्वरण द्रव्यमान के अंदर क्या हो जाए? जीरो। तो यहां से देखो एफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर था? ये एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास। अगर ये जीरो है द्रव्यमान तो जीरो होगा नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको जीरो होना है, बल को जीरो होना है, अगर इसको जीरो रख देंगे तो बल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? जीरो। ठीक, यानी कि अगर द्रव्यमान केंद्र का कुल त्वरण क्या हो? जीरो। तो उस पर जो कुल बल है वो क्या होगा? जीरो। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि एफ वन प्लस एफ टू यानी कि अगर द्रव्यमान केंद्र पर कुल बल क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो सभी कणों पर जो बल का योग है वो भी क्या है? जीरो। ये है यही से आप उसको भी समझा सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण को, इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट से जिसमें था बी सेंटर ऑफ मास बराबर वाला एम वन बी वन, तो जो नीचे वाला था वो कैपिटल एम हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं।
गया। क्या होते हैं दृढ़ पिंड? चैप्टर था ना 11 में, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। क्या होते हैं दृढ़ पिंड? कितना भी बल क्यों ना आरोपित कर दिया जाए, उनके कड़ों के मध्य कोई विस्थापन ना हो, कड़ों के मध्य कोई विस्थापन ना हो, अथवा जिनके किन्हीं भी दो कड़ों के, अथवा जिनके किन्हीं भी दो कड़ों के बीच की दूरी सदैव नियत रहे, दृढ़ पिंड कहलाते हैं। हम लोग को यही पढ़ना है, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, जो घूर्णन गति टॉपिक है वो किसके लिए पढ़ना है? दृढ़ पिंडों के लिए। अब देखिए, कोई भी दृढ़ पिंड अगर है तो वो तीन तरह की गति कर सकता है। एक तो वो कर सकता है रेखीय गति, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा क्या संभावना है कि वो क्या करे? घूर्णन गति करे, यानी कि रोटेशनल मोशन। और तीसरा क्या संभावना है कि वो रेखीय और प्लस घूर्णन दोनों गति करें। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? रेखीय गति के एग्जांपल बहुत सिंपल है, ये है, मान लीजिए क्या है, दृढ़ पिंड है, समझ आ रहा है ठीक, और इसको यहीं पर ऐसे पकड़ के घुमाते रहिए, इसे पंखा घूम रहा है, बहुत ही गति घूमने लगे। घूमना भी हो रही है और कौन सी हो रही, रेखीय गति, आगे भी आ रहा है और घूम भी रहा है। तो ये क्या है? तीनों एग्जाम्पलों में जिसके रेखीय गति, किसी वस्तु का सीधे से चलना रेखीय गति हो रही है, घूमना किसी अक्ष के पर का, ये अक्ष है इसके पर तक घूम रहे, कहीं चल नहीं रहे, कि क्या कर रहा है, घूम रहा है, कौन सी गति हो, घूमने लगी, घूमे भी और चले भी, जैसे साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, ये सब क्या है, घूर्णन और रेखीय गति। तो हम लोग को जो पढ़नी है वो पढ़नी है घूर्णन गति और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तो हम लोग पढ़ते ही रहे, ठीक है, बोल सकते हैं, समझ का कॉन्सेप्ट क्या है। जब एक क्षण करेगा तो सती गति, और जब पूरी वस्तु करेगी तो क्या है? घूर्णन गति। अब हम लोग पूरी वस्तु में से किसी एक की बात करेंगे, किसकी? द्रव्यमान के। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सूत्र लगते हैं सब कौन से सूत्र लगते हैं? वृत्ति गति वाले। घूर्णन गति में जो सूत्र लगते हैं वो कौन से लगते हैं? वृत्ति गति वाले। क्यों? वृत्ति गति किसी कण के लिए पढ़ते थे, कोई कण है क्या कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, तो उसकी जो गति है वो क्या कहलाएगी? वृत्ति गति। अब यहाँ कई सारे कण, तो हम लोग करते क्या है, कई सारे कणों की जगह केवल एक लेते हैं, जो कहाँ पर होगा? द्रव्यमान केंद्र पर। जब एक है तो फिर उसकी घूम
क्या बन जाएगी, वृत्ति गति। तो यहाँ पर घूर्णन गति के सारे सूत्र कौन से हैं, वही वाले जो हमने पढ़े हैं वृत्ति गति में। जैसे पहला क्या था, एक संबंध एस बराबर आर थीटा, जहाँ थीटा कोणीय विस्थापन, एस रेखीय विस्थापन, आर त्रिज्या, जिस वृत्त में क्या कर घूम रहा है यह है। और क्या क्या सूत्र थे, बी बराबर आर ओमेगा, ये रेखीय हो रेखीय वे, ये कोणीय वे, ये फिर से त्रिज्या, ए बराबर आर अल्फा, कोणीय त्वरण सॉरी रेखीय त्वरण और ये कोणीय त्वरण में क्या त्रिज्या है। इस तरफ सब कौन कौन से हैं, रेखीय, इस तरफ कौन से हैं कोणीय, इससे जुड़े हुए हैं सब त्रिज्या आर, यह है। ये हम लोग को पढ़ना है और फिर ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, रेखीय वाले जैसे रेखीय गति में जो ऊर्जा होती है वो और घूर्णन में जो होती है दोनों को जोड़ देने क्या बन जाएगी, रेखीय और घूर्णन दोनों, क्लियर है। अब हम लोग को एक दो चीज़ें और पढ़ती हैं, क्या जैसे हम लोग ने रेखीय गति में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले एस पढ़ते थे, फिर बी पढ़ते थे, फिर ए पढ़ते थे, फिर पढ़ते थे रेखीय संवेग, फिर पढ़ते थे रेखीय संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तो तीन चीज़ें आप देख ली, थीटा ओमेगा और अल्फा, बारी किसकी है पी की, और फिर बारी किसकी है, मतलब यहाँ का जो पी है वो यहाँ क्या होगा और यहाँ का जो बल है वो यहाँ क्या होगा। तो जो यहाँ रेखीय संवेग है वो यहाँ किसमें बदलेगा, कोणीय संवेग बदलेगा, होना चाहिए दोनों के संबंध होना चाहिए। अब इस यहाँ संबंध पलट जाएंगे, पलटने का मतलब आठ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कोणीय वाला इधर आएगा और रेखीय वाला उधर जाएगा, यह है बात करते हैं। इस तरह लिखिएगा दृढ़ पिंड, इस तरह लिखिएगा, ये तो लिखी नहीं है, दृढ़ पिंड की गतियां बना लें। पहली चीज के बारे में आपको जानना है कि ये सदिश राशि है, जिस तरह बल सदिश राशि है उसी तरह बल आघूर्ण सदिश राशि है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, एक अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ए क्रॉस बी का सूत्र होता है ए बी साइन थीटा, ठीक, या इसी को इस तरह लिखते हैं टाउ बराबर एफ और आर साइन थीटा परपेंडिकुलर। आप जानते हैं जब भी किसी घटक करते हैं तो जो साइन थीटा वाला घटक होता है वो लंब वाला घटक होता है, जैसे कॉस थीटा वाला होता है वो दिशा में, उसी की दिशा में घटक होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर आपको परिभाषित करना है तो देखिए समझिएगा सिस्टम क्या है। अगर इस सूत्र की बात करें तो ये लिखा है बल और ये लिखा है लंबवत दूरी, क्या लिखा है लंबवत, यह बल आघूर्ण कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, ठीक,
बल का काम होता है रेखीय गति कराना, किसी वस्तु को चलाना, और बल आघूर्ण का काम होता है घुमाना। अब मान लीजिए यहाँ से ये जाम हो गया, इसको यहाँ तक क्या कर दिया जाम, एग्जाम्पल के लिए दरवाजे के कब्जे हैं और एक तरफ से दरवाजा क्या है फ्री है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ आपने बल लगाया एफ, क्लियर है, तो बल और यहाँ से लंबवत दूरी, तो यहाँ से लंबवत दूरी कितनी है एक आर, तो सूत्र सीधे सीधे क्या हो गया आर एफ। अगर तुम इस सूत्र में रखोगे तो आर एफ और देखो थीटा कितना है 90, तो साइन 90 अपने आप क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। कहने का मतलब दूरी का वही घटक लेना है जो बल के क्या हो लंबवत, जैसे इस तरह भी मान सकते हैं, हमें समान के चाहिए कि आपका इस तरह का कोई चित्र है, ये आपकी दूरी हो गई, समझ रहे हैं, और ये मान लीजिए आपका क्या हो गया बल हो गया, ये आपका क्या हो गया बल, और ये कोण कितना हो गया थीटा, बोलो समझ रहे हो, बोलो yes। देखो ये जो आर है, ये जो आर है ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा, इस आर का एक घटक क्या जाएगा यहाँ आर कॉस थीटा, और इस आर कॉस थीटा की लंबवत क्या जाएगा आर साइन थीटा, तो ये हो गया बल और ये हो गई दूरी। तुम चाहे इस तरह लिखो तो तुम चाहे इस तरह लिखो, दोनों बातें सेम है। अगर तुम इस सूत्र में पकड़ोगे तो बल लिखोगे और लंबवत दूरी लिखोगे कितनी, देखो ये जो बल से लंब बन रहा है ये देखो 90 कोण दिख रहा है, ये दूरी कितनी है ये आर साइन थीटा, तो सूत्र क्या बना एफ आर साइन थीटा। और अगर आपको इस तरह लिखना है तो क्या लिखेंगे बल दूरी और उनके बीच का कोण, तो बल दूरी आर उनके बीच का कोण थीटा, तो भी वही आएगा एफ आर साइन थीटा। ये तो जहाँ जगह सुविधा होगी वहाँ काम किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि दो बल होते हैं और फिर क्या पूछ रहा होता है बल आघूर्ण पूछ रहा होता है, जब दो अभी हम लोग को यहाँ से दो बल वाला बल आघूर्ण नहीं पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पर यही पढ़ना है कोई हमारे पास क्या होगी फिक्स एक्सिस होगी अक्ष होगी उसके पलटा बल आघूर्ण क्या है, तो उसके पलटा बल आघूर्ण बल और लंबवत दूरी कहाँ से जो अक्ष आप ले रहे हैं वहाँ से लंबवत दूरी, समझ रहे हैं नहीं, बोलो करना हो तो इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो बल का मान बढ़ा दो, अगर मान लो बल अधिकतम है तो टाउ क्या होगा अधिकतम, अगर दूरी अधिकतम है तो भी टाउ क्या होगा अधिकतम। अब सोचने वाली बात यह है कि बल लगाने की एक क्या है लिमिट है, बल लगाने क्या है लिमिट, अब आदमी के पास जितना बल होगा अब तक लगाएगा, मान लो लाख मान दिया है क्या है, तो हम लोग करते क्या है जहाँ बल आघूर्ण बढ़ाना होता है वहाँ से दूरी का मान बढ़ाते हैं। ये चीज़ घर में आपने सब ने अनुभव की होगी, दरवाजे के किनारे से पकड़े दरवाजे खोलने से पानी से मिल जाएगा घूम जाएगा, और यहाँ से पकड़ के दरवाजे को खोलेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा दूरी बढ़ गई, बल आघूर्ण क्या होता है बढ़ गया, बल आघूर्ण का काम भी है क्या करना, इस वाले केस में मैंने यहाँ बनाया था डायग्राम ये बना हुआ है, बल लगाएंगे ऐसे तो ये यहाँ तो फिक्स है ये कहीं जा नहीं सकता, तो यहाँ से ऐसे क्या करेगा ये घूम जाएगा, समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए।